रफी साहब भी पंजाब से थे और आप भी पंजाब के हैं जी। ये बताइए कि आप दोनों के बाद पंजाब से दूसरा रफी और दूसरा धर्मेंद्र क्यों नहीं पैदा हुआ? बस ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं क्यों नहीं हुआ ये तो मैं खुद बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता था, मेरे बेटे की फिल्म थी बेताब पहली जी, कि वो गाना खुद गाएं। अगर रफ़ी साहब जिंदा होते तो वही गाते उसके लिए भी, लेकिन बदकिस्मती थी हमारी, वो पहले चले गए थे। फिर हमने वैसी आवाज़ तलाश की, बादल यूं गरजता है जी जी, शब्बीर कुमार, शब्बीर को ढूंढा तो, लेकिन शब्बीर बहुत अच्छा गाते, रफ़ी साहब तो खैर कोई क्या बनेगा, लेकिन हमें चाहिए था, बिल्कुल मेरे दिल में था कि कोई रफ़ी साहब जैसी आवाज़ मिले हमें। आपको कैसे लगता है कि रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत आपके लिए गाया? उस दौर में दुख भी होता है, बहुत उदासी भी आ जाती है कि यार आखिरी क्यों, लेकिन वो कुछ कुदरत का खेल है, जो होना होता है वो हो जाता है जी। उनके पुराने गाने अभी कभी सुनिए, मेरी दिलीप साहब के, वो मेरी कहानी भूलने वाले, और वो पुराने इवन उससे पहले के गाने, वो शाम थे हमारे अदाकार एक, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया, वाह वाह वाह, कब से शुरू से लेके आखिर तक बहुत खूब गाया उन्होंने। ये बताइए कि आप धर्मेंद्र साहब, धर्मेंद्र बनने के बाद रफी साहब के फैन बने या उससे पहले? बहुत पहले।